रॉन्ग टर्न द लास्ट रिसोर्ट। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो वर्जीनिया के जंगलों में साइकिल राइडिंग का मजा ले रहे थे। तभी ये लोग एक जगह पर रुककर कोल्ड वाटर का मजा लेने लगते हैं, मगर वहाँ थ्री फिंगर नाम का एक अजीब सा दिखने वाला आदमी इन्हें देख रहा था, जिसे आपने रॉन्ग टर्न की बाकी मूवीज में देखा होगा। तभी ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो थ्री फिंगर भी इनका पीछा करता है। तभी वो मौका देखकर लड़के पर एक तीर से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। तो लड़की भागकर अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प करने के लिए जाती है, मगर एक और तीर उस लड़के के खोपड़ी के आर पार हो जाता है। ये देखकर लड़की बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाकर भागने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो नुकीले तारों में फंस जाती है जो थ्री फिंगर के दोनों भाइयों ने पकड़ी हुई थी। तभी थ्री फिंगर वहाँ आकर उस लड़की की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं, डैनी और टोनी, जो अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में बने एक होटल में जाता है, क्योंकि उसको कुछ टाइम पहले ही ये पता चला था कि वो उस होटल का मालिक है। तभी हम उस होटल के दो केयरटेकर को देखते हैं, जिनका नाम था जैक्सन और सैली। ये दोनों देखने में ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि सिर्फ डैनी ही आएगा, मगर यहाँ तो वो अपने साथ कई और लोगों को लाया था। वहीं दूसरी तरफ हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो होटल से चेकआउट कर रही थी, मगर तभी एक कुल्हाड़ी आती है और उस ओल्ड लेडी के सिर पर लगती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। तभी वहाँ वो केयरटेकर जैक्सन आता है और वो उन तीनों भाइयों से कहता है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा। ये तीनों वही भाई हैं जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो केयरटेकर भी इन तीनों भाइयों से मिला हुआ है। तभी हम डैनी और उसके दोस्तों को देखते हैं। ये लोग होटल के सामान को देख रहे थे और ये सामान बहुत ही ज्यादा महंगा था, जो अब सब कुछ डैनी का होने वाला था। तभी रात को हम जैक्सन को देखते हैं जो जंगल में उन तीनों भाइयों से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें ये सब बंद करना होगा। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जैक्सन भी उनके भाई जैसा है और वो दूसरी केयरटेकर सैली भी इनकी बहन जैसी है। अगली सुबह डैनी के दो दोस्त कुछ सामान खरीदने आए होते हैं, तभी इनकी नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर कुछ मिसिंग लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। तभी एक पुलिस वाला वहां आकर एक और पोस्टर लगाता है। ये पोस्टर उसी ओल्ड लेडी का था जिसका लास्ट नाइट उसी होटल में मर्डर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी और उसके कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जो पुराने हथियारों को देख रहे थे। इनमें से एक तीर कमान डैनी को बहुत पसंद आता है, तो जैक्सन डैनी से कहता है कि चलो हम शिकार पर चलते हैं। इस पर डैनी जैक्सन की बात मान जाता है और ये लोग शिकार करने जंगल में चले जाते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ थ्री फिंगर को एक शेरिफ को मारते हुए देखते हैं। अब काफी टाइम हो जाता है तो डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी अपने दोस्तों से कहती है कि कोई जाकर डैनी को जंगल से बुलाकर लाए। तभी इनमें से एक बंदा जंगल में जाता है, वहाँ वो उन तीनों भाइयों में से एक बंदे को देखता है जो एक मरे हुए हिरन को खा रहा था। ये देखकर वो बंदा तेजी से भागता है और डैनी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक गड्ढे में गिरकर नुकीले तारों में फंस जाते हैं। मगर जैक्सन आकर इन्हें वहाँ से निकालकर होटल ले जाता है, जहाँ दूसरी केयरटेकर सैली इनकी मरहम पट्टी करती है। अगली सुबह डैनी अपनी सारी दवाइयाँ फ्लश कर देता है, क्योंकि वो अब बहुत ही बेहतर महसूस कर रहा था। इसके बाद वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं यहीं रुककर इस होटल को चलाऊंगा, मगर उसके दोस्त यहाँ पर नहीं रुकना चाहते थे। इनमें से दो लोग बहुत ही लालची थे, वो कुछ महंगी चीजों को अपने बैग में भरने लगते हैं, जिनकी मार्केट में काफी ज्यादा कीमत थी। और चीजों के चक्कर में ये लोग एक बेसमेंट में पहुँचते हैं। वहाँ इन्हें लगता है कि पहले के लोग यहाँ पर सेक्स किया करते होंगे, तो ये लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ वो तीनों भाई आ जाते हैं और लड़के के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और लड़की के हाथ पांव उखाड़ देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये तीनों भाई उस लड़के को भी मारने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वो केयरटेकर सैली आ जाती है और इन तीनों भाइयों को वहाँ से जाने को कहती है। अब सैली उस लड़के को लेकर अपने कमरे में आती है और उसके साथ संभोग करने लगती है, मगर तभी वहाँ उसका भाई जैक्सन आ जाता है और उससे कहता है कि ये सब तुम्हें डैनी के लिए बचा कर रखना होगा। तभी सैली एक तकिया लेती है और उस लड़के के मुंह पर रखकर उसे मार देती है। अब इसके बाद सैली और जैक्सन डैनी से कहते हैं कि हम तुम्हें हमारी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं, तो डैनी इनकी बात मान लेता है। जैक्सन डैनी को एक जंगल के ही एक गांव में ले जाता है,
जहां पर और भी कई अजीब लोग थे जो देखने में बिल्कुल उन तीनों भाइयों जैसे लग रहे थे। तभी जैक्सन डैनी को एक ड्रिंक देता है जो काफी ज्यादा नशीली थी, जिसे पीने के बाद डैनी को नशा होने लगता है। तभी वहां इन तीनों लोगों की बातें डैनी का एक दोस्त सुन रहा था, मगर तभी वहां पीछे से इन तीनों भाइयों में से एक आकर उसे पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटका देता है। तभी थ्री फिंगर वहां आकर उस आदमी की गर्दन काट देता है और उसका खून ये सारे लोग पीने लगते हैं। तभी एक प्याला डैनी के पास भी आता है और वो अपने ही दोस्त का खून पीने लगता है। अगले दिन हम डैनी के तीन दोस्तों को देखते हैं, जिनकी नजर किचन में जैक्सन पर पड़ती है जो इंसानी मांस को पकाकर खा रहा था। तभी इन्हें फ्रिज में एक लड़की का कटा हुआ सिर दिखता है। ये देखकर ये लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर जब ये लोग भाग रहे थे तभी वो तीनों भाई यहाँ पर आ जाते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। दो लोग तो बचकर भाग जाते हैं, मगर इनमें से एक को ये तीनों भाई पकड़ लेते हैं और पानी का एक पाइप इसके प्राइवेट पार्ट में डालकर इसके पेट में पानी भर देते हैं, जिसकी वजह से उसका पेट फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टोनी का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा, मगर टोनी डैनी के बगैर यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है और वो एक गन लेकर उसी बेसमेंट में पहुँचती है। तभी उसे वहाँ पर होटल की केयरटेकर सैली मिलती है। इन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। तभी टोनी सैली का मुंह गर्म पानी में डालकर उसे जला देती है और बाद में गन से शूट कर देती है। मगर तभी डैनी वहां आ जाता है और वो गन उससे छीन लेता है। डैनी टोनी से कहता है कि तुम यहां से चली जाओ वरना मारी जाओगी। टोनी वहां से भागने लगती है, मगर तभी जैक्सन वहां आकर टोनी को पकड़ लेता है, मगर टोनी उससे बचकर उल्टा उसे ही मार देती है। अब टोनी को लग रहा था कि वो बच गई है, मगर तभी पीछे से थ्री फिंगर आकर टोनी पर अटैक करता है और उसे भी मार देता है। अब इसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम कुछ टाइम आगे की कहानी देखते हैं, जहां टोनी उस होटल को चला रहा था और वहां आए लोगों का वेलकम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम किचन में उन तीनों भाइयों को देखते हैं और यहां हमें ये पता चलता है कि ये लोग लोगों का मांस ही होटल के लोगों को खिला रहे थे। तभी हम डैनी को उसी बेसमेंट में देखते हैं जहां होटल की केयरटेकर सैली भी थी, जिसका फेस अब जल चुका था। तभी डैनी सैली के साथ संभोग करता है ताकि वो अपनी जनरेशन आगे बढ़ा सके और ऐसे ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई मूवी के साथ। धन्यवाद।